घर वाली घर नहीं, हमें किसे का डर नहीं। ये ओ भाई दोबारा से करियो, ओ बेटे ओ ये बेटे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी शाम के वैसे 7 बजे हैं, व्लॉग लेट शुरू हो रहा है। बेसिकली क्या है, मेरी वाइफ गई हुई अपने घर। तो घर जाने के बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे कर रहे हैं पार्टी। पार्टी तो क्या, आज इंडिया का मैच है, आराम से बैठ के रिलैक्स करेंगे। तो घर वाली घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। अभी प्याज काट के थोड़ी सी ना आँखें ऐसी हो रही हैं। तो बेसिकली आज मैं फ्रेंड्स के लिए बनाऊंगा एग लबाबदार। एग लबाबदार बनाने के लिए मैंने इधर 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, 4 मिर्च लिए हैं और 1 टमाटर लिए हैं। इधर भी प्याज हैं जो अलग से फ्राई करूंगा मैं। तो पहले मैं इनको मैं फ्राई कर लेता हूँ, उसके बाद इसको ग्राइंड करके आपको दिखाऊंगा। तो भाई हमने इधर ले लिया फ्राइंग पैन, इसमें हम डालेंगे घी। घी में फ्राई कर लेते हैं, देसी घी है ये, घर का बना हुआ। इसमें क्या है कि प्याज टमाटर और हरी मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। इधर ये फ्राई हो रहे हैं हल्के से और इधर मैंने प्याज को छोटा छोटा कट कर लिया। इसमें भाई आ गया हमारा, देखो। अरे घर वाली घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। ये ओ भाई दोबारा से करियो, ओ बेटे ओ ये। तो भाई ये हो गया ठंडा। तो भाई ये हमने यहाँ से इसमें ट्रांसफर कर लिया, अब इसको हम करेंगे ग्राइंड। किसको किसमें ट्रांसफर कर लिया? इसको इसमें। हमारे पास नए शेफ और आ गए हैं, हेमंत जी। यस, ये लाइट ब्राउन करें, डार्क ब्राउन करें? थोड़े से डार्क करना। ये एक्चुअली क्या है, ये असिस्टेंट शेफ है, मेन शेफ तो मैं ही हूँ। मैं असिस्टेंट शेफ का असिस्टेंट हूं। इनको मेन खरड़ से बुलाया गया, स्पेशल इम्पोर्ट किया गया। इनको इम्पोर्ट किया गया सिर्फ और सिर्फ एग लबाबदार के लिए, थोड़ी सी पार्टी के लिए, ट्रेनिंग कराने के लिए। हाँ, ट्रेनिंग करने के लिए। तो भाई ये ग्राइंड हो गया और इसको इसमें ट्रांसफर करेंगे, इसको इसमें, इस ग्रेवी को इस बनती हुई ग्रेवी में डालेंगे। बोला कर यार। अरे वाह, स्टाइल है भाई। ये बाद इसमें हम डालते हैं मसाले। हम इसको मिलाई देते हैं, ऐसन कैसन बा, ऐसन बा। इसको फिर 3-4 मिनट तक मसाले को पकने देंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छे से ग्रेवी में आ जाए। क्या मैंने सही बोला? यू मीन फ्लेवर्स? यस। हिंदी में इम्प्रूव करनी पड़ेगी। वही मसाले पक गए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, थोड़ी ग्रेवी बढ़ जाएगी। और डाल, और डाल, और डाल, और डाल। ये डल गया। एक एक करके डालेंगे। ये जो डाले जा रहे हैं अंडे, यही मेन सीक्रेट है कि एग लबाबदार कैसे बनते हैं। ये इस अंडे की भुर्जी
और अंडा करी से एग्लो ऑथर को डिस्टिंग्विश करते हैं। लर्न द सीक्रेट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द की कि अंडे को कैसे फोड़ के कैसे उसमें डिलीवर करना है, मतलब उसको उसमें कैसे प्रॉपरली डालना है। गैप देखना, मेंटेन करके रखें। यहाँ तक तो 3 अंडे फूट चुके हैं और ये चौथे अंडे की बारी है। ऐसे अंडा फोड़ना है डायरेक्टली उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये गैप जो है, अगर आप गैप ही रखोगे तो ये चिपक जाएगा और इसका स्वाद खराब हो जाएगा। स्वाद तो खराब नहीं होगा, लेकिन जिसको एक जाना है उसको 2 अंडे चले जाएंगे। आज अब जैसे हमारा 5 फ्रेंड्स का प्रोग्राम है तो हम गिनती के 5 ही अंडे डाल रहे हैं। हम बिल्कुल ही शुद्ध उसमें मानते हैं कि हिसाब बराबर होना चाहिए, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं। 5वां अंडा आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो थोड़ा डूब गया है, वो निकल आएगा, सफ़ेद हो जाएगा जब। अब इसको हम ढक देंगे ताकि भाप के अंदर वो पक जाए। भाप, भाप मतलब कि स्टीम, हिंदी में इसको स्टीम कहते हैं, उसमें पकेगा। ये ढका जा रहा है और अब वेट करेंगे हम नेक्स्ट 3-4 मिनट्स ओनली। तो भाई 3-4 मिनट बाद ऑलमोस्ट पक चुके हैं ये, और इसको कर देते हैं बंद। तो भाई हमने इस पे कसूरी मेथी की गार्निशिंग कर दी है, तो ये देखने फोर फ्लेवर, हाँ फोर फ्लेवर, तो देखने में बड़ी सही लग रही है। देखो मस्त लग रहा है। तो अभी खा के बताएंगे थोड़ी देर में कैसा बना है। कप का सेमीफाइनल, हाँ जो भारत जीतने ही वाला है लगभग। ये बहुत बोलता है यार, ये बंदा बहुत बोलता है। मेरी विशेष इंडिया के साथ है, इंडिया मैच जीतेगा। हाँ 3 चीयर्स फॉर इंडिया। तो भाई नवनीत और शुभम और मैं, 4 बंदे पहुंच गए। साले मेरा नाम तो ले ले, एक तू तो पहले से ही है। कपड़े बदल लिए रे, बेइज्जती तो पुराने वीडियो में ये बहुत बोलता है यार, बहुत बोलता है। सामान लेके आए हैं केएफसी, क्या रखा है खाने के लिए? केएफसी के लिए केएफसी सामान लाए हैं। ये पनीर टिक्का है, ये सारा नमकीन चमकीन है, और ये हमारा हिम्मत भाई है जो अभी हमें अभी कुछ ना कुछ वो करके दिखाएगा, एक्टिंग करके दिखाएगा। पहले इसको खिलाएंगे, फिर इसको फिर एक्टिंग करवाएंगे। तो भाई साहब योगेश जी आ चुके हैं, हमारा 5वां बंदा। और खाने में देखो भाई KFC की क्या है ये बकेट, हाँ, और ये कबाब्स, कबाब्स हॉट फिस्ट के, और पनीर टिक्का तेरे, ये हॉट फिस्ट के क्रिस्पी कॉर्न्स, ये पनीर टिक्का, और ये सारे दोस्त, या बेबी, ये बेबी। तो भाई मैच फंसा हुआ है और सब टेंशन में है भी क्या होगा। हाँ तो पहले 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 हम पूरे पहले हम पूरे खुश थे कि इंडिया जीतेगी, लेकिन अभी सब टेंशन में लग रहे हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर कंसंट्रेशन कहाँ करी जाए इस पे। ये रहा देखो क्रिस्पी कौन सा ले, इस पे ये रहा वो तुम इस पे करो, बाकी में कंसंट्रेशन हो चुकी। हाँ बाकी ख़त्म कर दिया भाई, लगभग फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, ये फिनिश नहीं हुआ, ये होने वाला है। तो भाई 42 ओवर हो गए हैं और 8 ओवर में कितने चाहिए, 110 रन। मैच पूरा फंसा हुआ है, चटनी खाओगे? मैंने खा ली भाई साहब, KFC सिग्नेचर है। तो भाई साहब मैच पूरा फंसा हुआ है पूरी। तू खा ले भाई साहब, आउट हो गया, रन आउट हो गया। मैंने तंदूरी वाली खा ली। तो भाई साहब 8 ओवर में ऑलमोस्ट 110 रन चाहिए और मैच पूरा फंसा हुआ है। तो भाई बताओ कौन कौन जीतेगा? इंडिया, भारत माता की जय। भाई देखियो शाम में आज 5 विकेट लेगा यार, पक्का बढ़िया प्लेयर है। कमान इंडिया, कमान कमान कमान, कैच 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 कैच, या बेबे। इसको बोला, इसको बोल जरा, दिस इज एग्लबाब का स्पेशली मेड बाय सचिन। तो भाई एग्लबाब बाय हेमंत बेरी, सर्व बाय माय गुड हैंड्स फॉर योर गुड सेल्फ, तो फॉर गुडनेस ऑफ योर हेल्थ। हेमंत बैरी जी सर्व करेंगे, तो फिर हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं, उनको चेक करके बताएंगे, वो चेक करके बताएंगे कैसा बनना है। स्पेशल डायलॉग के बीप होने के ज्यादा चांसेस है।
वो स्पेशल डायलॉग इस ब्लॉग पे नहीं आएगा, पहले बता दिया जाता है। उसके लिए आपको विजिट करना पड़ सकता है, उसके लिए आपको पर्सनली विजिट करना पड़ेगा। कैसा लगा भाई? एक नंबर, बहुत बढ़िया है। रेस्टोरेंट भी फेल है सही में। हाँ बताओ आपने। oh, yeah. साला बिना खाए तो जबरदस्त होना पड़ा यार। भाई ध्यान से सुनो, फिर से बोल भाई। देख तो रहा भाई जबरदस्त है। बस भाई भाई तुमने बोल दिया, बस मेरी टीआरपी होगी बस। सचिन भाई आपने इतना बढ़िया बनाया ना, रेस्टोरेंट फेल है क्या?